बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर फिज़िक्स टीचर डॉक्टर फैज़ आलम। बीएस फिज़िक्स एंड एमएस फिज़िक्स पेपर न्यूक्लियर फिज़िक्स में यूनिट नंबर 1 का लास्ट आर्टिकल है जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, और वो रिलेटेड है पैरिटी। व्हाट इज़ पैरिटी इन न्यूक्लियर फिज़िक्स एज वेल एज़ इन क्वांटम मैकेनिक्स? व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरिटी इन न्यूक्लियर फिज़िक्स एंड क्वांटम फिज़िक्स? तो पैरिटी को समझने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ तो मेरा राइट हैंड जो है इसका इमेज मिरर में एज ए लेफ्ट हैंड दिखाई देगा, और इसी तरह मेरे लेफ्ट हैंड का इमेज मिरर में राइट हैंड दिखाई देगा। यानी मिरर जो है वो किसी भी पर्सन का इमेज जो है वो इनवर्ट काट के बताता है, उसकी राइट हैंडनेस को लेफ्ट हैंडनेस और लेफ्ट हैंडनेस को राइट हैंडनेस बताता है। और अगर कोई पार्टिकल है, लेट्स सपोज एक पी पार्टिकल है, वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलांग मूव कर रहा है, तो इसका मिरर इमेज जो होगा वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अलांग होगा। यानी वही पार्टिकल मिरर के अंदर माइनस एक्स डायरेक्शन के अलांग मूव करता दिखाई देगा। बिल्कुल इसी तरह न्यूक्लियर फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में पैरिटी का कॉन्सेप्ट है जो कि रिलेटेड है पार्टिकल के वेव फंक्शन के साथ। वेव फंक्शन क्या चीज़ है हम इस डिस्कशन में नहीं जाते। वेव फंक्शन जैसे आपको पता है कि एक ऐसा फंक्शन जो किसी पार्टिकल की स्टेट को डिफाइन करता है, अ फंक्शन विच डिटरमिन द स्टेट ऑफ द पार्टिकल कम्प्लीटली इज कॉल्ड वेव फंक्शन। तो अब हम अगर साइंस में या फिज़िक्स में देखें तो दो किस्म के सिस्टम हैं, राइट हैंड सिस्टम एंड लेफ्ट हैंड सिस्टम, यानी राइट हैंडेड सिस्टम एंड लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। राइट हैंडेड सिस्टम में देखें कि लेट्स सपोज अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो ऑरिजिन से राइट साइड वाई पॉजिटिव लिया जाता है, ऑरिजिन से अपवर्ड जी पॉजिटिव और आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड एक्स पॉजिटिव, जिसको यहाँ कन्वेंशनली रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसी सिस्टम का लेफ्ट हैंड हैंडनेस क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है ये लिटरली इन्वर्ट हो जाएगी लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में, यानी ऑरिजिन से ये राइट वर्ड था तो लेफ्ट वर्ड हो जाएगा वाई प्राइम, और जो जी पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में था इसका साइन इन्वर्ट होकर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी प्राइम, और ये वाला जो है बेसिकली ये आउट ऑफ प्लेन ऑफ बोर्ड था तो इन्वर्ट इन टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, जिसको इन्वर्ट करके एक्स प्राइम लिखेंगे। तो यहाँ पर पैरिटी हमें ये बताएगी कि किसी भी पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव फंक्शन जो स्टेट ऑफ द पार्टिकल को डिफाइन करता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में ये न्यूक्लियर स्टेट को डिफाइन करेगा, न्यूक्लियर स्टेट के मुतालिक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। अगर हम इसका साइन इन्वर्ट कर दें, साइन ट्रांसफॉर्म कर दें, यानी इफ़ वी रिप्लेस एक्स वाई जेड विद माइनस एक्स माइनस वाई एंड माइनस जेड, वट विल बी द स्टेट ऑफ द वेव फंक्शन, वट विल बी द साइन ऑफ द वेव फंक्शन? यानी वेव फंक्शन में साइन के साइन में क्या चेंज आएगी, उसके बिहेवियर में क्या चेंज आएगा, और जो पार्टिकल है उसकी स्टेट में क्या चेंज आएगी, ये इंफॉर्मेशन हमें पैरिटी बताएगी। यानी इसकी डेफिनेशन देखें कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए वेव फंक्शन दैट डिटरमिन द बिहेवियर ऑफ ए वेव फंक्शन व्हेन ऑल इट्स कोऑर्डिनेट आर रिवर्स्ड इन डायरेक्शन। यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी है वेव फंक्शन की कि अगर वेव फंक्शन के तमाम कोऑर्डिनेट्स को रिवर्स कर लिया जाए तो वेव फंक्शन के स्टेटस में क्या चेंज आएगी, वो वेव फंक्शन एज इट इज़ रहेगा या उसका उसके स्टेटस में मिरर रिफ्लेक्शन तरह की चेंज आ जाएगी, यानी राइटनेस लेफ्टनेस में चेंज हो जाएगा और लेफ्टनेस राइटनेस में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह पैरिटी वेव फंक्शन के बिहेवियर को दो तरह से डिफाइन करती है। बात को ज़रा समझना है, मैथमेटिक्स में आपने ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़े हैं, साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन। साइन फंक्शन की ये प्रॉपर्टी है कि अगर साइन का ये जो फेज एंगल है थीटा, जिसको माइनस एक्स मैंने लिया हुआ है,
साइन प्लस एक्स हो तो आपके फंक्शन में कोई चेंज नहीं आती, साइन एक्स रहेगा। लेकिन साइन ऑफ माइनस एक्स अगर ये फेज एंगल चेंज किया जाए तो आपके पास फंक्शन का साइन इन्वर्ट हो जाएगा माइनस साइन एक्स। लेकिन कोसाइन फंक्शन में चेंज नहीं आती है। कॉज ऑफ एक्स कॉज एक्स के इक्वल है और कॉज ऑफ माइनस एक्स भी कॉज एक्स के इक्वल है। यानी अंडर मिरर रिफ्लेक्शन, अंडर इन्वर्जन थ्रू स्पेस, कि स्पेस के अंदर कोऑर्डिनेट के साइन चेंज करने से कोसाइन फंक्शन के स्टेटस में कोई चेंज नहीं आती है, एज इट इज़ रहता है। इसीलिए तो ये इवन फंक्शन होता है। लेकिन साइन फंक्शन के स्टेटस में क्या होता है, चेंज आ जाती है। तो अब हम देखते हैं कि वेव फंक्शन में पार्टिकल की स्टेट को डिफाइन करने वाले वेव फंक्शन में क्या चेंज आती है। तो जो दें ज़रा इस बात पर, साई आपको इल्म है कि साई इज़ ए फंक्शन ऑफ आर एंड टी, कि वेव फंक्शन जो है ये दो चीज़ों का फंक्शन होता है, स्पेस कोऑर्डिनेट आर यानी एक्स वाई जेड और टाइम टी। थोड़ी देर के लिए हम टाइम टी के फैक्टर को निकाल देते हैं। हम कहते हैं कि वेव फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट, यानी ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, स्पेस कोऑर्डिनेट पे, यानी पार्टिकल की पोजिशन क्या है एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है। तो इफ़ साई एक्स वाई जेड इक्वल हो साई ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड के, यानी साई जो फंक्शन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के स्पेस फंक्शन एक्स वाई जेड पे, अगर ये इक्वल हो जाए, हम फंक्शन का कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करें माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड के साथ, साई के स्टेटस में कोई चेंज ना आए, तो हम कहते हैं कि इस फंक्शन की जो पैरिटी है वो पॉजिटिव होगी या इवन पैरिटी होगी। यानी इफ द साइन ऑफ द वेव फंक्शन अंडर स्पेस इन्वर्जन थ्रू 180 डिग्री डज नॉट चेंज, इट विल रिमेन सेम, देन द सिस्टम हैज पॉजिटिव पैरिटी आर इवन पैरिटी। अंडर इन्वर्जन थ्रू स्पेस से मराद यह है कि उसके तमाम कोऑर्डिनेट्स को रिवर्स कर देना 180 डिग्री, तो वेव फंक्शन के स्टेटस में चेंज नहीं आ रही है। इसे कहते हैं कि इस सिस्टम की, इस न्यूक्लियर सिस्टम की या इस पार्टिकुलर क्वांटम सिस्टम की पैरिटी जो है वो पॉजिटिव है वो या इवन पैरिटी है। और आगे चल के एक और बड़ी प्यारी डेफिनेशन है, यहाँ से इस तरह के वेव फंक्शन को भी डिफाइन किया गया है। आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि सच काइंड ऑफ वेव फंक्शन इज कॉल्ड सिमेट्रिक वेव फंक्शन। ये सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहलाता है। यानी इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि साई इज़ ए फंक्शन ऑफ आर वन एंड आर टू। ये आर वन और आर टू स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं उसके, कि अगर वेव फंक्शन साए डिपेंड करता है स्पेस कोऑर्डिनेट आर वन और आर टू पे, तो अगर मैं स्पेस कोऑर्डिनेट को 180 डिग्री चेंज कर देता हूँ, आर टू आर वन से रिप्लेस कर देता हूँ, उनके साइन चेंज करता हूँ 180 डिग्री, तो देखें वेव फंक्शन का स्टेटस एज इट इज़ है। साए इज ए फंक्शन ऑफ आर वन आर टू इक्वल टू साए आर टू आर वन। तो ऐसे वेव फंक्शन को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहेंगे। अब दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इफ साई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू माइनस टाइम साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, के इफ द साइन ऑफ द वेव फंक्शन अंडर इन्वर्जन थ्रू 180 डिग्री विल चेंज हो जाए, देन द सिस्टम हैज नेगेटिव पैरिटी आर ऑड पैरिटी। और इसके करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन को क्या कहेंगे, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, जिसको दूसरी डेफिनेशन में जिस तरह ऊपर मैंने बताया है कि साई आर वन आर टू इज इक्वल टू माइनस टाइम साइन आर टू आर वन। तो यहाँ पर दो बातें हमारे सामने आई हैं, एक दफ़ा वेव फंक्शन का साइन एज इट इज़ रहा और एक दफ़ा वेव फंक्शन का साइन इन्वर्ट होके माइनस हो गया। अब ये जो वेव फंक्शन का साइन चेंज हुआ है, इट मीन इसकी दो सिंबल हैं प्लस माइनस वन, प्लस वन इवन पैरिटी और माइनस वन ऑड पैरिटी, तो ये एक नंबर आ गया है। इसलिए याद रख लो, बाज न्यूक्लियर सिस्टम और क्वांटम सिस्टम में पैरिटी को क्वांटम नंबर के साथ एसोसिएट किया गया है। यानी अगर आप एक जनरल रिएक्शन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जनरली साई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू पी टाइम साई इज ए फंक्शन ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। अब ये पी जो है, देखिए ऊपर वाली इक्वेशन वन में पी का साइन क्या आ रहा था, प्लस वन, और नीचे जहां पर इक्वेशन टू में इधर साइन क्या आ रहा है, माइनस वन, तो ये पी एक नंबर आ गया। तो पी इज ए क्वांटम नंबर कॉल्ड
पैरिटी करैक्टरिंग साई, यानी एक ऐसा क्वांटम नंबर जिसकी करैक्टरिस्टिक, जिसकी प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड कर रही है, वेव फंक्शन साई पर डिपेंड कर रही है, और इसकी पॉसिबल वैल्यूज प्लस वन भी हो सकती है और माइनस वन भी हो सकती है। अगर पी प्लस वन है यहाँ पर तो ये किस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन वन को, इवन पैरिटी को, सिमेट्रिक वेव फंक्शन को। और अगर पी माइनस वन है तो फिर ये कौन सी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, नेगेटिव पैरिटी आर एड पैरिटी। इसलिए पी जो है ये बेसिकली क्या चीज़ है, एक क्वांटम नंबर है। इससे आपके वेव फंक्शन को असाइन करना जो है वो आसान हो जाता है। अच्छा, अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से मराद ये है कि कोऑर्डिनेट के साइन चेंज करने से फिजिक्स में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ का साइन चेंज हो जाता है। जैसे पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर आर अंडर स्पेस इन्वर्जन, ये रिप्लेस हो जाता है माइनस आर से। आपका लीनियर मोमेंटम रिप्लेस हो जाता है पी से माइनस पी। इसी तरह लीनियर एक्सेलरेशन ए से रिप्लेस हो जाता है माइनस ए, और लीनियर फोर्स रिप्लेस हो जाती है माइनस एफ। लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं कि जो अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन इनवेरिएंट रहती हैं। इनवेरिएंट रहने से मरा दिया है कि उनके साइन में कोई चेंज नहीं आती हैं, और ये एक तो एनर्जी है, एक एंगुलर मोमेंटम है, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी है। एक एग्जांपल मैंने लिखी है एंगुलर मोमेंटम की, आर क्रॉस पी, एल इज ए फंक्शन ऑफ आर क्रॉस पी, यानी एंगुलर मोमेंटम क्या है, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड लीनियर मोमेंटम पी। तो अब अगर आप इस पे पैरिटी ऑपरेटर, पैरिटी बेसिकली एक ऑपरेटर भी है, इस तरह मैंने कहा ना क्वांटम नंबर के तौर पर भी सामने आता है, तो एक ऑपरेटर भी है ये। तो अगर पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई करता हूँ, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लेता हूँ, आर को रिप्लेस करता हूँ माइनस आर से और P को रिप्लेस करता हूँ माइनस P से, तो आपका एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि ये दोनों चेंज हो जाएंगे। तो इस चीज़ को ज़रा समझना है। लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, ये R है, ठीक है, और ये P है। तो R क्रॉस P एंगुलर मोमेंटम L के दर आएगा, राइट हैंड रूल। देखें R की डायरेक्शन में फिंगर्स और P की तरफ कर्ल करें तो एंगुलर मोमेंटम के दर आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। अब अगर R को मैं माइनस आर लेता हूँ, ये मेरे माइनस आर कर लेता हूँ, और P को भी माइनस पी कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं राइट हैंड रूल लगाऊंगा तो R माइनस आर ये है और नीचे P है, तो उस तरफ जाएंगे तो दोबारा L किधर आएगा, आपकी तरफ आएगा। तो इट मीन L जो है इनवेरिएंट रहेगा अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ के साइन में चेंज लाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम आते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर या न्यूक्लियर सिस्टम के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसे कहा जाता है हेलिसिटी। हेलिसिटी बेसिकली क्या चीज़ है, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन विद रिस्पेक्ट टू इट्स मोशन। हेलिसिटी बेसिकली किसी भी सब एटॉमिक स्केल के ऊपर जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी फर्मियांस और इसी तरह मीजांस और बोजान, जब ये मूव करते हैं तो इनकी स्पिन की वजह से, स्पिन एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन और इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर ये पैरेलल हो, यानी इस चीज़ को समझें कि लेट्स सपोज एक पार्टिकल है वो स्पिन करता है इस डायरेक्शन में, पार्टिकुलर डायरेक्शन में ये स्पिन करता है इस डायरेक्शन में, तो इसकी स्पिन मोमेंटम की डायरेक्शन किधर होगी। तो आपने सेंस ऑफ रोटेशन को देखना है, सेंस ऑफ रोटेशन ये है इस डायरेक्शन में है, तो आप फौरन राइट हैंड रूल लगा दें, तो राइट हैंड रूल लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, उस डायरेक्शन में जा रहा है ना। और अगर पार्टिकल स्पिन करते करते इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी उसी डायरेक्शन में मूव भी कर रहा है और स्पिन भी यूं कर रहा है, तो इसकी स्पिन का, स्पिन मोमेंटम और इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जब दोनों पैरेलल हो जाएगी तो ऐसे पार्टिकल को कहते हैं कि ऐसे पार्टिकल की हेलिसिटी प्लस वन है और ये राइट हैंडेड पार्टिकल है। यानी राइट हैंडेड पार्टिकल कौन से होंगे, दोज पार्टिकल हुज डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्ट पैरेलल टू इट्स स्पिन डायरेक्शन।
कि स्पिन डायरेक्शन के पैरेलल इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन हो, तो नेचर में ऐसे पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, राइट हैंडेड पार्टिकल। इस पॉइंट को समझे, ये मैंने एक एग्जांपल दिया इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन जब स्पिन करता है तो उसकी स्पिन मोमेंटम की डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ मोशन, लीनियर मोशन जो है वो पैरेलल आ रही है, तो हम कहेंगे कि उसकी पॉजिटिव पैरिटी है, एलिसिटी भी प्लस वन है, और ये कौन से पार्टिकल है, राइट हैंडेड पार्टिकल है। और अगर पार्टिकल जा रहा उधर है, मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है, लेकिन इसकी इसकी स्पिन इस तरह है, स्पिन ये है, अब स्पिन ये है तो स्पिन मोमेंटम किस तरफ होगा, आप राइट हैंड रूल वो होगा, और डायरेक्शन ऑफ मोशन इसकी उधर है, स्पिन यूं कर रहा है, स्पिन करते करते फॉरवर्ड जा रहा है उस डायरेक्शन में, तो पता ये चला कि इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑपोजिट टू द इट्स स्पिन मोमेंटा, देन दैट पार्टिकल्स आर कॉल्ड लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रॉन जो है नेचर के अंदर ऐसा देखा गया है कि राइट हैंडेड वाले इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं और लेफ्ट हैंडेड वाले इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। तो यहाँ पर एक बहुत ही फलसफाना किस्म की गुफ्तगू सामने आती है कि अगर सब एटॉमिक स्केल पे इलेक्ट्रॉन राइट हैंडेड भी है और लेफ्ट हैंडेड इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर्ड किया गया है कि जिसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन उसके स्पिन एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट है, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैरेलल वाला इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी हैं, न्यूट्रॉन भी हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या बनाते हैं, एटम्स, और एटम से क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल से क्या बनता है, मैटर। तो आप जहन में रखें नेचर के अंदर अगर कोई इवेंट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है तो इसी नेचर में यूनिवर्स में कहीं ना कहीं उसका मिरर इमेज भी हो रहा होगा। यानी इफ द यूनिवर्स इज प्रोसीडिंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, आप यूनिवर्स के अंदर राइट हैंडनेस देखते हैं तो लेफ्ट हैंडनेस भी लाजमन मौजूद होगी। इसी टर्म को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी। यानी पैरिटी कंजर्वेशन ये है कि इफ द यूनिवर्स कैन नॉट डिस्टिंग्विश लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंडेड इवेंट, देन पैरिटी इज सेड टू बी कंजर्व। यानी यूनिवर्स राइट हैंडेड सिस्टम या राइट हैंडनेस और लेफ्ट हैंडनेस की फेवर नहीं करती है, दोनों प्रोसेस नेचर के अंदर कोई भी इवेंट अगर राइट हैंडनेस में हो रहा है तो उसका मिरर इमेज कहीं ना कहीं हो रहा होगा। ये बेसिकली पैरिटी है, ये बताना चाह रहा है आपको सब एटॉमिक स्केल से बल्क स्टेट के ऊपर, मैटर के बल्क बिहेवियर तक आपको ये कॉन्सेप्ट देना चाह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन राइट हैंडेड डिस्कवर्ड होता, लेफ्ट हैंडेड ना होता, प्रोटॉन भी राइट हैंडेड होते, न्यूट्रॉन भी राइट हैंडेड होते, तो फिर इट मीन नेचर में सिर्फ और सिर्फ कौन से हैं, राइट हैंडेड सिस्टम है, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम की कोई वक़्त नहीं है। लेकिन नेचर की सिमेट्री है, नेचर जो है ये इनजस्टिस नहीं करती है, तो जहाँ राइट हैंडनेस होगा वहाँ पर लेफ्ट हैंडनेस भी होगा। तो ये तो एक एग्जांपल मैंने इलेक्ट्रॉन की ली है। अब इसी तरह न्यूक्लियर सिस्टम में जो पैरिटी है ये न्यूक्लियस के एंगुलर मोमेंटम पर डिपेंड करती है। इन एनी न्यूक्लियर सिस्टम पैरिटी इज ए फंक्शन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और इसके लिए ये एक इक्वेशन है बहुत सिंपल सी, पी इज इक्वल टू माइनस वन पावर एल। अब एल क्या चीज है, वेयर एल इज ए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब आप जानते हैं कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन पर डिपेंड करती है, और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर स्टेट्स होती हैं, न्यूक्लियर की स्टेट जो है वो उसी तरह डिफाइन होती हैं जैसे न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल स्टेट्स होती हैं, एस पी डी एफ। तो अगर कोई न्यूक्लियर सिस्टम एस स्टेट में है, लेट्स सपोज कौन सी स्टेट में है, एस स्टेट में है, एस सब शेल में है, तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल क्या होगा, जीरो होगा। आपको पता है एस, एस से मुराद क्या है, एल जीरो, पी से मुराद क्या है, एल वन, डी से मुराद क्या है, एल टू, इसी तरह F से मराद क्या है, L3। ये जहन में रखें क्वांटम नंबर है। तो अगर न्यूक्लियर सिस्टम S स्टेट में है देन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू L0 होगी, तो इस फॉर्मूले में P इक्वल टू माइनस वन पावर जीरो, तो एनी थिंग माइनस वन पावर जीरो आपके पास आंसर क्या आएगा, प्लस वन। तो इससे क्या मुराद है कि न्यूक्लियर सिस्टम में जो न्यूक्लियस S स्टेट में होंगे उनकी पैरिटी इवन होगी।
यानी उनका अगर आप साइन चेंज करें, उनके वेव फंक्शन का साइन चेंज करें, तो उनके वेव फंक्शन के स्टेटस में कोई चेंज नहीं आएगी, उनका वेव फंक्शन सिमेट्रिक ही रहेगा। इससे मुराद ये है इवन पैरिटी। और अगर न्यूक्लियर सिस्टम पी स्टेट में है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी 1, तो पी क्या आएगा -1 पावर 1, तो -1 पावर 8 नंबर आ गया है, तो आंसर क्या आएगा -1 odd parity। यानी पी स्टेट के जितने भी न्यूक्लियर सिस्टम होंगे उनका वेव फंक्शन जो है अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, अपने साइन में चेंज ले आएगा, ऑड पैरिटी होगी। और इसी तरह डी स्टेट में एल की वैल्यू 2, अब इवन नंबर आ गया है तो -1 पावर 2, तो पैरिटी क्या आ जाएगी, इवन पैरिटी, एंड सो ऑन। वो एफ स्टेट के लिए भी आप निकाल सकते हैं। तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर सिस्टम की पैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए एक जनरल फार्मूला था। अब हम आते हैं कि हमारे पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल की पार्टीशन है, क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू स्पिन, के बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू स्पिन 2 हिस्सों में क्लासिफाइड होती हैं, फर्मियान एंड बोजान। अब फर्मियान जो हैं जिनकी स्पिन ऑफ एच कट होती है, ऑल फर्मियान जो फर्मी डायरेक्ट स्टेटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं उनकी जो स्पिन होती है ऑफ एच कट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह, तो इनकी जो इंट्रिंसिक पैरिटी होगी तमाम फर्मियान की, ये इवन पैरिटी होगी। यानी इनके वेव फंक्शन अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कोई चेंज नहीं लाएंगे, वेव फंक्शन एज इट इज रहेगा। ये पॉइंट आप अपने सहन में रखना है, अच्छा, कि जब आपको किसी इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाए कि फर्मियंस की पैरिटी क्या है, तो आपके माइंड में क्या आएगा, इवन पैरिटी, पॉजिटिव पैरिटी। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा कि फर्मियंस का जो स्पेस इन्वर्जन है 180 डिग्री, यानी उनके एक्स वाई जेड का साइन चेंज किया जाए तो उनके वेव फंक्शन में कोई चेंज नहीं आती है, इवन पैरिटी। और जो मीजॉन्स हैं, मीजॉन की पैरिटी क्या होगी, ऑड पैरिटी। और जो बोजॉन्स हैं, अब बोजॉन में कुछ बोजॉन ऐसे हैं जिनकी स्पिन 0 होती है और कुछ बोजॉन की स्पिन 1H कट होती है, तो ये मैंने कैटेगरी लिखी है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोजॉन जिनकी स्पिन 0 है उनकी पैरिटी होगी +1, इन्हें कहा जाएगा स्केलर हिग्स बोजॉन। यानी वो बोजान जिनकी पैरिटी +1 है, इवन पैरिटी है और स्पिन 0 है, दैट इज कॉल्ड स्केलर हिग्स बोजान। और वो बोजान जिनकी स्पिन तो 0 है लेकिन पैरिटी नेगेटिव है, ऑड पैरिटी है, दैट इज कॉल्ड सूडो स्केलर बोजान। और ये आ जाती हैं पायान्स एंड कायान्स, ये इस फैमिली में आ जाती हैं। इसी तरह वो बोजान जिनकी स्पिन 1 है और पैरिटी -1 है, ऊपर तो स्पिन 0 थी ना, तो वो बोजान जिनकी स्पिन 1 है और पैरिटी -1 ऑड पैरिटी है, इन्हें वेक्टर बोजान कहा जाता है। और इस कैटेगरी में आपका फोटॉन भी शामिल है, फोटॉन W एंड Z बोजान। तो दो डिस्टिंग्विश प्रॉपर्टीज यहां पर सामने आ रही हैं, बोजान एंड एंटी बोजान हैव सेम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, कि बोजान और उसके जितने एंटा बोजान हैं इन सब की सेम पैरिटी होगी, लेकिन फर्मियान और एंटी फर्मियान इनकी सेम पैरिटी नहीं होगी, अपोजिट पैरिटी होगी। एक एग्जांपल, जैसे फर्मियान में इलेक्ट्रॉन मोस्ट कॉमन फर्मियान हैं, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है, आप जानते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की मासेस सेम है लेकिन स्पिन और चार्जेस क्या हैं, अपोजिट हैं। तो फर्मियान और एंटी फर्मियान की अपोजिट पैरिटी होगी, एक की अगर +1 है तो उसके एंटी पार्टिकल की क्या होगी, -1। तो नेचर में याद रख लो, जितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं अगर उनका राइट हैंडनेस है तो लेफ्ट हैंडनेस भी होगा। स्वाय न्यूट्रिनो के, न्यूट्रिनो एक ऐसा पार्टिकल है कि जिसके ऊपर पैरिटी कंजर्वेशन लॉज कंजर्व नहीं होते हैं। न्यूट्रिनो लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल है, एंटी न्यूट्रिनो राइट हैंडेड पार्टिकल्स है। जिस तरह मैंने ये एलिसिटी प्रॉपर्टी आपको बताई ना, तो न्यूट्रिनो के ऊपर नहीं होती है, बाकी सब पे ऑलमोस्ट कंजर्व है। जो फोर्सेज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तीनों फोर्सेस पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन को कंजर्व करती हैं।
लेकिन वीक न्यूक्लियर फोर्स ये पैरिटी कंजर्वेशन को वायलेट करती है, यानी पैरिटी कंजर्व नहीं रहती है अंडर वीक न्यूक्लियर फोर्स। और वीक न्यूक्लियर फोर्स में जब बीटा डिके होता है ना, बीटा डिके प्रोसेस में भी पैरिटी कंजर्व नहीं रहती हैं। तो जो बात समझने की थी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी था कि यूनिवर्स जो है वो ना राइट हैंडनेस को फेवर करती है और ना ही लेफ्ट हैंडनेस को फेवर करती है। यानी यूनिवर्स में ऐसा नहीं है कि राइट हैंडनेस में जो इवेंट हो रहे हैं तो लेफ्ट हैंडनेस में नहीं हो रहे होंगे। डेफिनेटली जो राइट हैंड साइड पे हो रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड पे भी होगा। ये बेसिकली आपका क्या है, पैरिटी है, जिसकी स्टार्ट में मैंने आपको एग्जांपल दे दी। यहाँ से कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आसान है कि पैरिटी बेसिकली क्या है, मिरर इमेज है। यानी वेव फंक्शन जो डिपेंड करता है स्पेस कोऑर्डिनेट आर और टी के ऊपर, तो अगर आर का साइन चेंज कर लें तो वेव फंक्शन के स्टेटस में क्या चेंज आता है। अगर स्टेटस एज इट इज़ रहता है सिमेट्रिक वेव फंक्शन, इवन पैरिटी, पॉजिटिव पैरिटी। और अगर वेव फंक्शन का साइन माइनस हो जाता है अंडर इन्वर्जन थ्रू 180 डिग्री तो वो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, ऑड पैरिटी आर नेगेटिव पैरिटी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पैरिटी। तो इस तरह ये यूनिट वन न्यूक्लियर फिजिक्स का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल से हम लोग यूनिट नंबर 2 न्यूक्लियर पार्टिकल डिटेक्टर्स ये स्टडी करेंगे। सी यू अगेन।